आज सीजीआई चंद्रचूड ने देश की राजनीति पर बड़ा असर डालने वाला एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और 26 साल पुराना फैसला पलट कर रख दिया है, जिससे सांसदों और विधायकों की मुसीबतें बढ़नी तो तय हैं। तो क्या है ये फैसला, विस्तार से आपको बताएंगे और इस पर पीएम मोदी ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। विधानसभा हो या फिर लोकसभा, दोनों ही जगहों पर खूब राजनीति होती है, कभी चुनाव से पहले तो कभी चुनाव के बाद। विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरें भी आती हैं, तो कभी ये कहा जाता है कि किसी विधायक या फिर सांसद ने पैसे लेकर सदन में भाषण दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत में हम जिस लोकतंत्र का दम भरते हैं, वहां एक सांसद या फिर विधायक के ऊपर पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में केस तक नहीं चल सकता, क्योंकि वो एक सांसद है, एक विधायक है, चाहे उसने भ्रष्टाचार किया हो या संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई हो। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि वोट के बदले नोट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपनी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें वोट के बदले नोट के तहत सांसदों को किसी भी कानूनी कार्रवाई से राहत मिली हुई थी। खबर देखिए इंडिया टीवी की, लिखा हुआ है कि वोट के बदले नोट पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 26 साल पुराना फैसला, क्या कहता है नया कानून। तो आप समझ सकते हैं कि 26 साल पुराना ये फैसला जो है वो सीजीआई चंद्रचूड़ के आने के बाद पलट चुका है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीजीआई चंद्रचूड़ कई सारे फैसले ऐसे ले चुके हैं जो ऐतिहासिक हैं, जो ये दिखाते हैं कि अभी भी लोकतंत्र जिंदा है इस देश में और उनके फैसलों की काफी तारीफ होती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने इस मामले पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या फिर वोट देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले की सुनवाई के दौरान संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला दिया गया। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी घूसखोरी की कोई छूट नहीं है, रिश्वत लेकर वोट देने पर अभियोजन को छूट नहीं दी जाएगी। इस मामले की सुनवाई कर रहे सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम पीवी नरसिम्हा राव मामले में आए फैसले से असहमत हैं। कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में आए फैसले को खारिज कर दिया है। दरअसल 26 साल पहले यानी कि साल 1998 में सदन में वोट के बदले नोट मामले में सांसदों को मुकदमे से छूट दी गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए 5 जजों की पीठ ने तब पाया कि सांसदों को अनुच्छेद 105 और 194 के तहत सदन में अंदर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के बदले आपराधिक मुकदमे से छूट है। संसद और विधानसभा में सांसदों और विधायकों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सीजीआई चंद्रचूड़ ने पूरा फैसला पलट कर रख दिया है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और इसमें अपने सब पुराने फैसले को भी ओवर रूल कर दिया जो नरसिम्हा राव केस में फैसला आया था, और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी, उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पैसे लेकर सवाल पूछना और कोर्ट करना ये संसदीय लोकतंत्र के लिए जहर के जैसा है, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए कैंसर है और इसीलिए इसे रोकना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है। आपको बता दें कि साल 1998 में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से तय किया था कि वोट के बदले नोट जैसे मामले में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, लेकिन अब ये फैसला पलट चुका है। और साधारण भाषा में अगर समझाएं तो अब से अगर कोई भी सांसद या विधायक घूसखोरी या पैसे और गिफ्ट लेकर सदन में कुछ भी सवाल पूछता नजर आया तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया की जा सकती है। इसी के तहत चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इस बारे में सभी पहलुओं पर निर्णय लिया और विचार किया कि क्या सांसदों को इससे छूट मिलने चाहिए
हम इस बात से असहमत हैं, इसीलिए बहुमत से इसे खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने पी नरसिम्हा राव मामले में फैसले को खारिज कर दिया है। ऐसे में कोर्ट के फैसले के आने के बाद अगर कोई भी सांसद संसद में पैसे लेते या भ्रष्टाचारी साबित होता है तो उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो सांसदों और विधायकों की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। वहीं शीर्ष अदालत के इस फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है और साथ ही कहा है कि अदालत का ये कदम देश में साफ सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करेगा। तो मोदी जी ने भी इसकी तारीफ की है, और तमाम जो नेता हैं, तमाम विपक्षी नेता हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल के नेता हैं, सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं आज सुनवाई के दौरान संसद या विधानसभा में अपमानजनक बयानबाजी को अपराध मानने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। प्रस्ताव में मांग की गई थी कि सांसदों विधायकों द्वारा सदन में अपमानजनक बयानबाजी को कानून से छूट नहीं मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही बयानबाजी को अपराध मानने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन के अंदर कुछ भी बोलने पर सांसदों और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती और सदन के भीतर माननीयों को पूरी आजादी है। हालांकि अभी भी हो सकता है कि इस मामले पर भी बाद में पलट जाए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और बाद में इस पर कोई कार्रवाई हो सके, क्योंकि आप तो जानते हैं कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के सांसदों द्वारा किया जाता है। रमेश भदूड़ी आपको याद है, और तमाम तरह के सांसद हैं जो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं संसद में या फिर विधानसभा में, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो ऐतिहासिक है, और इसकी हर ओर चर्चा हो रही है, काफ़ी तारीफ हो रही है, और अब सांसदों और विधायकों को एक बार इस पर सोचना पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। तो कैसी लगी आपको ये खबर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।